स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 2 ही भी पढ़ेंगे। आप एक्सरसाइज 2 ही है जिसका कांसेप्ट मैंने आपको लेक्चर 15 में बताया। आज 16 में हम एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 8, क्वेश्चन नंबर 1 2 8 आपको फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक में आपको एलसीएम आपको निकालने हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने दो मैट्रिक्स आपको बताया, एक प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप बना लो और दूसरा डिविजन मैट्रिक्स से बना लो। एक एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का लिया है, 60 एंड 75 का हमने एलसीएम ये डिवाइड मैट्रिक्स से निकाला है। तो ये 3 से इसको घटाएंगे, 23 का 60 और 25 3 का 25, 5 से 5 4 का 25 का 25, तो इक्वल इसका डिविजन और डिवाइडेड का इसका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 35 का 15, 15 4 का 60 और 65 का 300। इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी देख सकते हैं, मैंने इसको आपको बताया भी था। 60 का अगर हमने फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाला तो 2 × 3 × 5 हो गया, इसका पावर किया तो 2 × 2 × 3 × 5। इसमें आपको 75 का जब आप निकालेंगे तो 3 × 5 × 5 हो रहा है, 3 × 5 × 5 इसका अगर आप पावर में डाल दो तो 3 × 5 × 2 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, 2 × 2 × 5 × 2 × 3 = 300 ही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 8 आपको बनाने हैं स्टूडेंट। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 to 15 find the LCM and LCM। इसमें एग्जांपल एक हम समझा रहे हैं आपको, 13 नंबर है, इसमें आपको कह रहा है 145 एंड 232 LCM एंड HCF दोनों निकाल। आप कोई एक निकाल, जैसे मैंने LCM यहाँ पे निकाला इसका 145 और 232 का HCF हमने निकाला 29 है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको रूल्स बताया था कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय एचसीएफ कर लीजिए। नंबर्स क्या है, 145 × 232 डिवाइड बाय 29। इस तरह से अगर आप करते हो तो ये आपका 1160। तो इसका एलसीएम एचसीएफ आ गया 29 और एलसीएम आ गया आपका 1160। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 to 15 आपका इसमें बन जाएगा। स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इक्वल एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसा कि मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि किसी भी दो संख्या, दो या दो से अधिक संख्या है उसका प्रोडक्ट और उसके एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में तीन क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले आप दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, दोनों संख्या का प्रोडक्ट निकाल लो, दोनों संख्या का एचसीएफ निकाल लो, फिर उसका एलसीएम निकाल लो और उसके बाद उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट और दोनों के एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट निकालेंगे आप इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 17, 18, 19, 20 तक यही क्वेश्चन है जो कि आप इससे संबंधित है, 16 से संबंधित है जो कि आप बनाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर डिवाइजेबल बाय 15, 20, 24, 32 एंड 36। तो लीस्ट नंबर एलसीएम को ही कहा जाता है, तो जो भी आप इसका एलसीएम निकालेंगे वही उसका एलसीएम आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 22 है, फाइंड द लीस्ट नंबर 25 40 एंड 60। लीव यहां पे एक क्वेश्चन बता रहा है आपको कि लीव्स एज रिमाइंडर, मतलब 9 इसमें रिमाइंडर बचना चाहिए। बहुत छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 25 40 एंड 60 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर बचे, शेष बचे। तो इस तरह का जब भी स्टूडेंट क्वेश्चन होता हो तो फर्स्टली एलसीएम आप निकाल लो 25 40
एंड 60 का एलसीएम निकालो, जो भी इसका एलसीएम आता है, एलसीएम एलसीएम और प्लस रिमाइंडर इसमें जो है ऐड हो जाएगा। रिमाइंडर को जब ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा, जो भी एलसीएम इसका आएगा और एलसीएम में रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 22 बन जाएगा। 23, 24, 25 ये सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। 29 तक क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे तो हम इसका जो भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम होगा वो हम आपको फिर से बता देंगे। ये आपका 2E समाप्त हो गया। अब आप इसको होमवर्क में एक्सरसाइज 2E करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए बताएंगे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे।